हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जय स्टाइल में। दोस्तों आज देखते हैं कि आप लोगों को जो ट्रिक जो है बताने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोग नीचे से पतंग लड़ाते हैं तो नीचे से पतंग जब हम नीचे से जब खींचते हैं तो ऊपर वाले के पास काफ़ी मौका रहता है कि वो गद्दा मार देगा। तो आप लोगों को बताएं कि जब हम नीचे से जब लड़ाएं तो बहुत ही सतर्क हो के लड़ाएं, क्योंकि नीचे से जब आप देखें कोई चीज़ हम लोग ऊपर की छत से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, और जब हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो बहुत ही यानी उसमें बहुत ताकत चाहिए, ठीक है। और ऊपर वाला अगर आप ऊपर से खाली ऐसे फेंक देंगे तब भी वो आसानी के साथ नीचे, आप देखें ईंटा वगैरह फेंकें तो अब वो नीचे किस तरह से गिरता, और नीचे से ऊपर फेंकें तो बहुत स्लो जाता है, ठीक है, और हो सकता है जा भी नहीं पाता। तो आप देखें कि जब भी आप नीचे से लड़ाइए तो कोशिश करिए कि जो है बहुत सटा के ही जो है आप खींचे, यानी कि आप दो तीन, एक दो तीन, तीन हाथ में काम होना चाहिए। अगर तीन हाथ में काम नहीं होएगा तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको कटना तय है, भले ही आपकी पेच मजबूत हो, यानी आपकी भी मजबूत है उसकी भी मजबूत है ऊपर वाले की, तो आप ही कटेंगे यानी नीचे वाला ही कटेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप इस चीज़ को समझते होंगे। और बहुत लोग जो है मान लिया कि अगर जैसे कि आपके पास 10 मीटर है, एक चीज़ और बताएं कि नीचे से जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको मौका तलाश करके खींचना है, यानी बस एक दो तीन, तीन हाथ में काम होना चाहिए। और ऊपर की जो पेच होती है तो ऊपर से आप यहाँ से भी आप देखें डोरी कहाँ है, और आप यहाँ से भी ऐसे लेके भाग सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर आप यहाँ से लेके भागते हैं तो आपके पास छत जो है वो कम से कम 50 गज़ की लंबी छत आपके पास जगह होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को बहुत पावर से खींचते हैं तो हमें, और ऊपर से जब हम मारते हैं तो हमें बहुत पावर की ज़रूरत होती है, तो जैसे यहाँ से तो हमें पीछे भागना भी पड़ता है, तो उसके लिए हमें पीछे जगह भागने के लिए काफ़ी होना चाहिए, तब हम उसको काट पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम एक दर पे ही खींच दें और नीचे वाले के पास 50 गज़ की जगह है, आपके पास मान लिया कि दो या तीन कदम है और आप या तो एक ही जगह पर खींचते हैं, तो आप नीचे वाले से ज़्यादा तेज़ नहीं खींच सकते, चाहे भी जितनी आपकी पावर हो। एक जगह पे खड़े हो के आदमी जब खींचेगा और जो खींच के यानी दौड़ता जो है, खींचता भी और दौड़ता भी पीछे है, आप देखे होंगे कि मैदान वगैरह से जो खींच के पीछे भागता है तो उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो अगर मान लिया कि आप तीन हाथ वाली पेच करना चाहते हैं तो आप ऊपर से सटा के रखिए कि एक दो तीन, और अगर आप चाहते हैं कि हम तीन हाथ में नहीं, हम बस ऊपर से चल पड़ेंगे और ऐसे आते 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 जो आप मुट्ठा बनाना चाहेंगे, जब हम यहाँ से चलते हैं तो आप ऐसे बहुत पावर से नीचे जाते हैं, उसके लिए जगह लंबी चाहिए, और यहाँ पे जाके जो भी मुट्ठा आप बनाएंगे, मान लें कि आप यहाँ से चलने चलते चलते वो ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो आप मालूम पड़ा कि मुट्ठा बदल के भी आप जो उसको मार सकते हैं। तो इसके लिए आपको जगह लंबी चाहिए, और जो पतंग सटा के हम लोग रखते हैं उसके लिए हमें जगह अगर कम भी है यानी दो तीन कदम भी पीछे है तो आप जो है उसमें काम कर सकते हैं, या तो आप ऊपर से जब आके झटकाउट का मारते हैं तब भी जगह कम होगी, जब भी आप जो है काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन खींच वाली हमने आपको बताया कि खींच वाली पेच में जगह की ज़्यादा लंबी ज़रूरत होती है, जिसकी लंबी छत होती है वही नीचे ऊपर की पेच दोनों टकराव वाले, अगर जो है दोनों जो प्लेयर हैं वो बहुत मजबूत हैं, तो जिसकी लंबी छत होती है और तेज़ खींच होती है वही आदमी काटता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा कि जब भी पतंग लड़ाएं तो ये सब चीज़ों को ज़रूर देखा करिए कि उसकी कितनी लंबी छत है। इतना तो आदमी जब पतंग लड़ाता है तो पता होता है कि कोई आदमी फला छत से उड़ा है तो उसकी छत कितनी लंबी है, और हमारी जो छत है वो कितनी लंबी है, तो उसी हिसाब से अगर उसकी बहुत लंबी छत है तो उससे सतर्क रहें कि वो बहुत, यानी कि अगर नीचे है तो बहुत तेज़ी से भी खींच देगा, तो जब भी जो है, चूँकि अगर हम ऊपर से छोटी छत है
तो हमारी उतनी पावर मारने में नहीं लगेगी, लेकिन वो उसकी लंबी छत है तो नीचे से भी खींच देगा और ऊपर से भी मार सकता है। तो छत जब चूज़ करें तो इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए कि जब छोटी छत हो तो सटा के रखिए, यानी ये पतंग को एकदम ला के करीब तब खींचिए, और अगर आपकी लंबी छत है तो दूर से भी आप खींच सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हम खाली इतना ट्रिक जो थी हम आप लोगों को समझाने के लिए खाली ये वीडियो बनाई। अगर आपके समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपको पहले से पता था तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को पहले से पता। जिन लोगों को नहीं मालूम है हम ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। जय स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।